दोस्तों, चाहे किरदार हो एक सीधी सादी बहू का या फिर किरदार हो काफी मॉडर्न और एम्पावर्ड लड़की का, टीवी इंडस्ट्री के अभिनेत्रियों ने हमेशा ही हर एक किरदार को अपने जबरदस्त एक्टिंग के बलबूते दर्शकों के दिलों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में आज अभिनेत्रियों ने अपना काफी सफल मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक्टिंग में हमेशा ही नंबर वन पर रहने वाली हमारी अभिनेत्रियाँ सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी काफी आगे रहती हैं। मगर शायद आप ये जानते होंगे कि टीवी इंडस्ट्री के अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। टीवी इंडस्ट्री की 10 मशहूर अभिनेत्रियों और उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रूबरू करवाकर, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर वन, एरिका फर्नांडिस। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम शामिल है अभिनेत्री एरिका फर्नांडिस का, जो कि वर्तमान में कुछ रंग प्यार के एसएबी के सीजन 3 के साथ दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्ट्रेस कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो आपको बता दें एरिका फर्नांडिस ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। नंबर टू, दिशा परमार। साल 2011 में सोनी टीवी पर प्रसारित हुए पॉपुलर शो बड़े अच्छे लगते हैं के दूसरे सीजन में नकुल मेहता के साथ दर्शकों से प्यार हासिल करने वाली दिशा परमार भी हमारे लिस्ट में शामिल है। और बात करें कि दिशा परमार कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो आपको बता दें दिशा परमार ने लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। नंबर थ्री, शिवांगी जोशी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में नारा बनने वाली शिवांगी जोशी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं, जिनकी एक्टिंग दर्शकों के बीच इतनी ज्यादा पसंद की गई कि आज इन्होंने सफलता के मुकाम को हासिल कर लिया। आपको बता दे एक्टिंग में आगे रहने वाली शिवांगी ने पढ़ाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके चलते शिवांगी जोशी भी आज एक ग्रेजुएट है। नंबर फोर, रूपाली गांगुली। स्टार प्लस के शो अनुपमा से हर किसी की फेवरेट बनने वाली रूपाली गांगुली आज अपनी एक्टिंग से हर किसी को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर चुकी हैं। वहीं अगर बात करें रूपाली के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको बता दें रूपाली ने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है। नंबर फाइव, इशिता दत्ता। कलर्स के शो थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी के साथ एक बार फिर से दर्शकों को अपना दीवाना बनाने वाली इशिता दत्ता भी आज हर किसी की फेवरेट बन चुकी हैं। वहीं अगर बात करें इशिता दत्ता के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको बता दें इशिता ने फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले ही मीडिया स्टडीज की पढ़ाई की है। नंबर सिक्स, सुरभि दास। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री सुरभि दास का भी शामिल है, जो कि आज कलर्स के शो नीमा डेंगजोबा से घरेलू नाम बन चुकी हैं। वहीं अगर बात करें कि आखिर पर्दे पर अपनी एक्टिंग से दीवाना बनाने वाली सुरभि दास कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो आपको बता दें सुरभि दास एक ग्रेजुएट है। इन्होंने ललित चंद्र भारती कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है। नंबर सेवन, ऐश्वर्या खरे। टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर अभिनेत्रियों में अब एक और नाम शुमार हो चुका है, और वो है अभिनेत्री ऐश्वर्या खरे का, जो कि भाग्य लक्ष्मी शो से आज हर किसी को अपना दीवाना बनाती नजर आ रही हैं। बात करें इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको बता दे ऐश्वर्या खरे ने मीटीबाई कॉलेज से बैचलर ऑफ मास मीडिया की पढ़ाई पूरी कर रखी है। नंबर एट, जिया मानिक। बात करें टीवी इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों की, तो उसमें एक नाम जिया मानिक का भी आता है, जिन्होंने जहां पहले साथ निभाना साथिया से दर्शकों को अपना फैन बनाया, तो वहीं वर्तमान में ये तेरा मेरा साथ रहे शो से हर किसी को इम्प्रेस करने में लगी है। वहीं बात करें कि आखिर ये टैलेंटेड अभिनेत्री कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो आपको बता दे इन्होंने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में ग्रेजुएशन कर रखा है। नंबर नाइन, दृष्टि धामी। मधुबाला गीत हुई सबसे पराई और दिल मिल गए जैसे टीवी शोज में नजर आने वाली अभिनेत्री दृष्टि धामी इंडस्ट्री की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। मगर दृष्टि धामी सिर्फ एक्टिंग में ही माहिर नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी दृष्टि धामी काफी ज्यादा आगे रही हैं, तभी तो इनके पास सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री है। नंबर टेन, कृतिका सेंगर। जब भी इंडस्ट्री की बेहतरीन अभिनेत्रियों की बात की जाती है, तो उसमें हर किसी की जुबा पर कृतिका सेंगर का नाम तो होता ही है, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से खुद को टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शामिल किया। आपको बता दे अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली कृतिका सेंगर भी एक्टिंग के साथ साथ काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है। इन्होंने नोएडा के एमडी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। तो दोस्तों, इन सभी अभिनेत्रियों में से आपको किसके बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी मजेदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।